शिवपाल यादव जी को आप किस पद पर देखना चाहते हैं? आप लोग बारी बारी से मुझे बता दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के पद। प्रदेश अध्यक्ष, आप बताएं। प्रदेश अध्यक्ष। लोगों की मंशा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। संगठन के मामलों में शिवपाल जी का कोई तोड़ नहीं। उनका कद इतना ऊंचा है कि उसके आगे पद सभी छोटे हैं। शिवपाल जी देखिए, जहाँ तक जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे पार्टी का, हमारा मन टूटा हुआ है। किससे टूटा है मन? नहीं, अखिलेश जी से। क्यों, मन क्यों टूटा है अखिलेश जी से? हम नहीं, हम कई बार मिलने गए, हमसे मिले नहीं। सर, भीष्म पितामह की तरीके से जो है शायद काम करना चाहते हो। कौन? कि मतलब चाचा जी है। चाचा जी के आने से शिवपाल जी का बहुत अहम भूमिका, उनके आने से हमारी पार्टी मजबूत और भी हो गई है। शिवपाल यादव जी को आप किस पद पर देखना चाहते हैं? आप लोग बारी बारी से मुझे बता दीजिए। प्रदेश अध्यक्ष के पद। प्रदेश अध्यक्ष, आप बताएं भाई। प्रदेश अध्यक्ष, आप बताएं भाई। मैं तो चाहता हूं नेताजी की जगह माननीय चाचा शिवपाल जी को संरक्षक बनाया जाए। नेताजी की जगह मिलनी चाहिए, आप बताओ भाई। यही होगा नेताजी की जगह। जी जी जी। सर, आप बताओ मुझे, अच्छी बात, पुख्ता बात, एक लाइन में। नहीं, अब अच्छी बात क्या जो है भाई, अब उनको प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि शिवपाल जी को कोई जो है कि पार्टी बढ़िया पद देगी, ऊंचे से ऊंचे तक। अच्छा, हाँ। अच्छा, जैसे कोई पद का नाम हम मुझे कुछ बता देते। अब ये हम कैसे बता देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे ना पार्टी का। तनिक बात हमको भी बता दीजिए ना। शिवपाल जी देखिए, जहाँ तक जो है कि प्रदेश अध्यक्ष बनेंगे पार्टी का। प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएंगे जी, और उसी में भलाई है। उसी में भलाई है, उसी में भलाई है। शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, उसी में भलाई है। किसकी भलाई, किसकी है भाई? भलाई पार्टी की होगी। अच्छा, अखिलेश जी की होगी। हाँ। संगठन के मामलों में शिवपाल जी का कोई तोड़ नहीं है। संगठन के मामले में शिवपाल जी का कोई तोड़ नहीं। पूरे यूपी में किसी भी दल में संगठन जिस तरीके से सृजन करते हैं, कोई और नेता इस तरीके का नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा, मेरी जो राय है, शिवपाल जी को संगठन के कार्य की जिम्मेदारी दी जाए तो उसको बेहतर तरीके से निर्वहन करेंगे। शिवपाल जी के आने से काफ़ी हद तक कार्यकर्ताओं में उत्साह है और विश्वास भी है कि हमको एक पुराना लीडर मिल चुका है। अच्छा, लेकिन पद क्या दिया जाए उनको? पद जो भी दिया जाए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अपना वो है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आपके विचार क्या हैं? हमारे हिसाब से तो जो भी उनको अच्छा से अच्छा बड़ा पद देना चाहिए राष्ट्रीय लेवल का, जिससे जनता में एक अच्छा संदेश जाए और काम भी हो। लोगों की जो मंशा है, समाजवादी पार्टी में माननीय शिवपाल जी पहले भी थे, बीच में किसी कारणवश नहीं रहे, पार्टी बना लिए थे, अपनी बना लिए थे जी। लेकिन लोगों की मंशा है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, आप किस पार्टी से, मुझे नहीं मालूम। अब लोग कयास लगा रहे हैं, लोग उम्मीदें जता रहे हैं कि शिवपाल यादव जी को बड़ा पद दिया जाएगा, शिवपाल यादव जी को बड़ा पद पर बिठाया जाए। जी, जी, जी। आप क्या सोच रहे हैं, आम जनता की राय क्या है? नहीं, आम जनता की भी यही राय है जो है, अरे पद की बात क्या कही जाए। जो है उनके भाई जो है पार्टी के मेन जो है कार्यकर्ता, उन्हीं की भाई की पार्टी बनाई हुई है, मुलायम सिंह जैसे नेता की पार्टी बनाई हुई है, तो उनको जो है मुलायम सिंह का जो है कार्यभार तो देखना ही चाहिए। चाचा जी के आने से शिवपाल जी का बहुत अहम भूमिका, उनके आने से हमारी पार्टी मजबूत और भी हो गई है, और हम लोग जो है उनके साथ कदम में कदम मिला करके जो उनका देना है अहम भूमिका जो होगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोचेंगे उनके बारे में। अभी हम लोगों को तो पता नहीं है उनके बारे में, अभी तो बताया भी नहीं गया है। लेकिन मैम, अंदर से एक चाह होती है, अंदर से एक फीलिंग होती है कि शिवपाल जी को इस पद पर बिठाया जाए या नेताजी को इस पद पर बिठाया जाए, तो वो चाह क्या है, वो फीलिंग क्या है, वो विचार क्या है आप लोगों के अंदर चल रहे हैं? अभी तो देखिए, हमसे वरिष्ठ वो लोग बैठे हुए हैं, अभी तो वो लोग खुद जो है निर्णय करेंगे। मेरा तो सिद्धांत यह है कि उनको अच्छा पद दिया जाए, ताकि उनका भी बहुत अहम भूमिका है हमारे समाजवादी पार्टी में, और आने से सब लोग खुश हैं, उनको अहम भूमिका दिया जाए और कुछ नहीं। हम बिल्कुल, एक अहम भूमिका उनको दी जाए, जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए, जिम्मेदारी बड़ी होनी चाहिए, और सभी कार्यकर्ता बहुत खुश भी हैं उनसे आने से, और मजबूत भी हमारी पार्टी हो गई है उनको आने से, और हम लोग कदम में कदम मिला करके चाचा जी के साथ चलेंगे, और जो उनको भूमिका दें अच्छा भूमिका दें। बहुत लोग चर्चाएं फैला रहे हैं, बहुत लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि शिवपाल यादव जी को ये पद दिया जाए, वो पद दिया जाए, इस पद से नवाजा जाए, आपके हिसाब से किस पद पर होना चाहिए? नहीं, ये सब लोग गलत बोल रहे हैं, ये सब सोच गलत है। ये आप यहाँ के देखिए, चुनाव मैनपुरी का जी देखिए, शिवपाल नहीं थे मैनपुरी, खतौली हर जगह। तो मतलब कि उपचुनाव में जो असर दिखा है वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रहा है, हकीकत कर रहा है, ये बीजेपी कर रहा है, कुछ को कर रहा है, बीजेपी को डर सता रहा है ना, बीजेपी को डर सता रहा है। हाँ जी, भीष्म पितामह की तरीके से जो है शायद काम करना चाहते हो। कौन? कि मतलब चाचा जी है, ऐसा लगता है, अगर ऐसा कह रहे हैं कि जो है मुझे पद की कोई जरूरत नहीं है जी, तो जाहिर सी बात है वही चीज करेंगे कि हम आजीवन जो है समाजवादी पार्टी की सेवा करेंगे। मतलब कि भीष्म पितामह का आपने दर्जा दे दिया वहाँ पर शिवपाल जी को? अगर ये बात आती है कि हम समाजवादी पार्टी का आजीवन निस्वार्थ बिना किसी पद के सेवा करना चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी में सबसे अनुभवी व्यक्ति हैं शिवपाल जी जी।
अब ये अखिलेश जी और इनका पूरा जो भी इनका कैबिनेट है, ये सारे लोग बैठ के बताएंगे, डिसाइड करेंगे कि शिवपाल जी को क्या पद दिया जाए। जी जी, चीज़ है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब जितनी भी दृष्टिकोण बनेगा समाजवादी पार्टी का, वो शिवपाल यादव जी के थ्रू ही सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा, पद क्या होना चाहिए सर? पद के हिसाब से तो भाई पार्टी संरक्षक का पद सबसे अच्छा है। पार्टी संरक्षक, हमारा मन टूटा हुआ है। किससे टूटा है मन? इन्हीं से, अखिलेश जी से। क्यों, मन क्यों टूटा अखिलेश जी से? हम नहीं, हम कई बार मिलने गए, हमसे मिले नहीं, सही बात भी नहीं किया। कौन, अखिलेश जी? हाँ। तो हो सकता कहीं बिजी हूँ। बिजी नहीं, कई बार गए हमने, बहुत पार्टी के लिए काफी काम किया, 25 साल बिता दिया। अच्छा, लेकिन सही से इनकी हमारे को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं, गुस्सा किस बात से? सिर्फ मुलाकात नहीं हुई इस वजह से या फिर काम नहीं हुआ? मुलाकात नहीं, और दूसरी बात जो है कि क्या बताएं, बहुत कुछ है। लेकिन 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 शिवपाल जी भी अब समाजवादी पार्टी में आ चुके, अब तो खुश होना चाहिए। अरे, शिवपाल जी को तो हम उनको बधाई देते हैं, सब कुछ है, ठीक है, वो अनुभवी व्यक्ति हैं। अच्छा, तो इनको पद कौन सा देना चाहिए समाजवादी पार्टी में, मिलना चाहिए पद? तो उनको बड़ा ही देना चाहिए, जैसे नेता प्रतिपक्ष हुआ, और भी उससे बड़ा राष्ट्रीय में दे सकते हैं, देना चाहें दे सकते हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना सकते हैं। जी जी, ऐसा पद चाहिए उनको। नेताजी के बाद संरक्षक तो बनाना ही चाहिए उनको। जी जी, तो संरक्षक तो अभी बनाया नहीं। लेकिन अखिलेश जी से नाराज उधर आप? हम तो नाराज हैं। सुलहनामा कैसे हो, बताओ क्या किया जाए? क्या किया जाए, हम लोग यहाँ 25 साल बिता गए, हमारे यहाँ दुकान पार्टी अभी 95 से हम यहाँ पर हैं, पार्टी से समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर आप हैं, कर रहे हैं, उसके बावजूद इन्होंने कुछ महत्व नहीं दिया। अच्छा, ये दुकान आपकी है? हाँ, हमारी है। तो अखिलेश जी, अगर जो आप ये हमारी खबर देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, भाई साहब आपके पार्टी कार्यालय के बाहर हमेशा घूमते लगा कर बैठे रहते थे, कभी इनकी सुधली नहीं लो पूछो, और यह हमारे भी अनुभव पूछो, हम चुनाव में काफी मतलब प्रचार प्रसार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और पार्टी के सहयोग करते हैं, मेहनत करते हैं। अब हम लोगों से नहीं मिलेंगे तो किससे मिलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, पार्टी कार्यकर्ता बनती है और सरकार कार्यकर्ता बनाता है, चापलूस नेता थोड़ी बना देते हैं। समझिए बात को, समझिए, वो चापलूस कौन है? बहुत से हैं चापलूस पार्टी में। पार्टी में हैं बहुत, जैसे कोई नाम बता सकते? बहुत ज्यादा नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन कितने होंगे, 10-15-20-50? हजारों की तादाद में, लाखों होंगे, हजारों की तादाद में चापलूस हैं समाजवादी पार्टी के? बहुत हैं, क्योंकि क्योंकि अब ये है कि कुछ दिखावा करते हैं, कुछ दिखावा नहीं करते, काम करते रहते हैं जमीन पर पार्टी के लिए रातों दिन। उनका कद इतना ऊंचा है कि उसके आगे पद सभी छोटे हैं, वो मैं कह रहा हूँ कि चाहे स्वयं का राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद क्यों ना हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद उनके सामने छोटा है, पद छोटा है उनके लिए, इतना अनुभव है। और राजनीति में अनुभवशाली व्यक्ति बिना पदों पर रहे भी उसने लोकसभा के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो या विचारधारा के अंदर हो, जैसे डॉक्टर लोहिया बिना पद के एक विचारधारा छोड़ के गए और उनके पीछे आज सैकड़ों कार्यकर्ता चल रहा है कि नहीं चल रहा, डॉक्टर आचार्य नरेंद्र हो, जयप्रकाश नारायण, ये लोग बिना पद के रहे, कभी पद का लालच नहीं किए, तो समाजवादी पार्टी में मुझे नहीं लगता है। और फिर वो राष्ट्रीय नेतृत्व तो और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मिल करके तय कर लेंगे। वो नेताजी के ना रहने के बाद शिवपाल जी जो है एक मार्गदर्शक के तौर पे हैं, समझे, पार्टी में एक मार्गदर्शक है, तो बड़े गार्जियन हैं, तो बड़ी से पदवी भी मिलनी चाहिए उनको, सीधी सी बात है। तो आज के इस खास एपिसोड में मैं जानने की कोशिश कर रहा था कि शिवपाल यादव जी को अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी में किस पद से नवाजने वाले हैं। खैर, आपको मेरा ये सर्वे कैसा लगा और आप क्या कहते हैं कि शिवपाल यादव जी को समाजवादी पार्टी में किस पद पर बिठाया जाएगा, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पर नए मुद्दे के साथ, बने रहे मेरे साथ, देखते रहे भारत एक सोच, क्योंकि भारत एक मुल्क नहीं है बल्कि एक सोच है, और आज हर भारतीय को सोचने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रजत के साथ मोहित, लखनऊ।